हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एग्ज़ाम के बारे में जिसे ICAR कंडक्ट करता है। ICAR क्या है, इसका एग्ज़ाम क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कोर्स हैं और कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं, तो ये सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। आज मैं जिस कोर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये वो कोर्स है या वो एग्ज़ाम है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये सारे BSc, BTech, BTech, बायोटेक, इन सब की बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस एग्ज़ाम के लिए तीन स्ट्रीम के लोग एलिजिबल हैं। पहला बायोलॉजी, बायो ग्रुप के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं अलग अलग कोर्स के लिए, यानी कि एक बायो ग्रुप है आपके पास तो कोई सा भी एग्जाम में मतलब कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कोर्स बायो के लिए हैं। दूसरे होते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तीसरे मैथमेटिक्स ग्रुप, तो PCA मतलब एग्रीकल्चर ग्रुप, PCB, PCM, PCMB ऐसा मिक्स वाले भी होते हैं जो दो दो कोर्स सब्जेक्ट ले लेते हैं 12वीं में, वो इन एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट इन एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हैं, इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये कौन कौन से कोर्स हैं। तो पहला, इसमें जो मेजॉरिटी में जो सीट्स हैं वो BSc में, अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं इसके अंडर में, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जैसे NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर आप उससे डेयरी टेक्नोलॉजी में BTech कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फ्यूचर बन सकता है आपका, और बाहर भी फॉरन में भी इसकी बड़ी डिमांड है जैसे डेनमार्क वगैरह में, तो अच्छे कोर्स हैं। तो पहले BSc से शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ये क्या क्या कोर्स हैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर सब जानते हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो तो एग्रीकल्चर फील्ड है। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी, ये भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे। फॉरेस्ट्री में भी, कम्युनिटी साइंस में ये होता है, कम्युनिटी साइंस फैमिली का जो साइंस होता है, सोशल बिहेवियर्स, फैमिली बिहेवियर, इन सब पे स्टडी की जाती है। सेरिकल्चर, हाँ अगर आप डाइटिशियन, न्यूट्रिशन या आप डाइटिशियन बोलेंगे, डाइटिशियन का कोर्स करना चाहते हो तो एक बढ़िया एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं BTech, ये एक इंटरेस्टिंग टेस्ट है इसमें BTech का। जनरली BTech के लिए लोग JEE वगैरह में जाते हैं IIT में, यहाँ BTech है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, और इस कोर्स के लिए केवल PCM ही एलिजिबल है, PCM ग्रुप। हाँ एक BTech कोर्स है जो बायोटेक वाला है, इसके लिए जो एलिजिबल है वो PCB ग्रुप वाला भी BTech कर सकता है। एक यहाँ बड़े मजेदार बात पता लगी होगी आपको कि जनरली BTech के लिए बोला जाता है कि PCM होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बायोटेक करनी हो, बायोटेक का कोर्स करना है, BTech से इंजीनियरिंग करनी है, तो PCB का स्टूडेंट भी इसमें जा सकता है। लेकिन मैं इस कभी कोर्स को प्रेफर नहीं करता, इसका अभी फ्यूचर हिंदुस्तान में कुछ अच्छा खास नहीं है, तो बायोटेक नाम बड़ा अच्छा लगता है, इस कोर्स को चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट का 12वीं पास होना जरूरी है, या 12वीं में एग्जाम दे रहा हो, प्लस टू के मतलब क्वालिफाइंग ईयर हो, या प्लस टू पास कर चुका हो, तो इस एग्जाम को मैं बैठ सकता, बशर्ते उसके मिनिमम मार्क्स, हर एग्रीगेट मार्क्स उसके 12th में 50% हो जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, और 40% हो SC ST और PWD। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर कौन से मार्क्स, अब जैसे एग्रीकल्चर ग्रुप वाला अगर मान लो एग्रीकल्चर BSc करना चाहता है तो उसका उसके सेगमेंट में 50%, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रोशर का लिंक डाल रखा है, आप उस ब्रोशर को खोलिए, 2019 का ब्रोशर खुलेगा, तो उसमें एनेक्सर 4 और 5 में आपको पूरा डिटेल दे रखी है कि कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो उन सब्जेक्ट का 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे BTech है, मान लो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करनी है, तो ये PCM के लिए, PCM वाले इसमें एलिजिबल है, तो उसका PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो बाकी दो सब्जेक्ट होंगे उसमें एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50%। तो बहुत थोड़ा सा है यार, ये तो बहुत जनरली आ ही जाता है। हाँ अगर आप कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो तो इतना नहीं आता, समझ रहे हो, खेल कूद ज़्यादा कर रहे हो तो। अच्छा एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जिस साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस साल अगस्त में आपकी एज मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए, उससे कम होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ मैक्सिमम एज का कुछ क्लाउज नहीं डाल रखा है, ड्रॉप है, आप एक दो साल आपका वेस्ट हो गया है इधर BSc कर रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई क्लाउज नहीं डाला हुआ इसमें। अब मज़ेदार बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें तीन सेगमेंट होंगे, एक स्टूडेंट को कोई तीन सेगमेंट करने होंगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। मान लो PCM है, PCB है, PC है, तो उसके अकॉर्डिंग से तीन सेगमेंट करने हैं। तो इसका मतलब तीन सेगमेंट करेगा तो एक सेगमेंट में 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन है, तीन सेगमेंट हुए तो 150 क्वेश्चन हुए। और वन करेक्ट मार्क्स, अगर वन करेक्ट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया तो एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे 4, तो टोटल मार्क्स हो गए 600। नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की, तो टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब एग्ज़ाम कब होगा सर, इसके फॉर्म वगैरह, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया और तो मैं अपने चैनल में सारी अपडेट डालता रहता हूँ, कौन सा एग्ज़ाम कब आने वाला है ये सब, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी की बात करें, तो सिलेबस किसी भी ग्रुप का सिंपल सा फंडा है इस एग्ज़ाम में, कि जो भी आपका 11th 12th का NCERT का सिलेबस है वही एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो अगर आपने NCERT को 11th 12th को अच्छे से पढ़ा है तो सिलेबस तैयार है, बशर्ते आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। तो जैसे मेरी सलाह होती है हर एग्ज़ाम में कि आप अगर इस, ये एग्ज़ाम बहुत हल्के लेवल का है, ये नीट और JEE जैसा टफ कॉम्पिटिशन ही थोड़ा ईजी है, तो इसके क्वेश्चन कैसे करें, तो कम से आप NCERT कर लीजिए, साथ में एक एग्जाम्पलर आता है वो कर लीजिए। अगर वो नहीं करना, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, इसका एग्जाम का लेवल थोड़ा नीचे है, तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए हर सब्जेक्ट में, और लगभग 150 से 200 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। जैसे फिजिक्स में टोटल चैप्टर हो जाएंगे 15 और 15 30 चैप्टर हो गए लगभग 11th 12th में, तो हर सब चैप्टर में 200 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो चैप्टर तैयार हो जाएंगे और बहुत बढ़िया रैंक आएगी, अगर आप इसको इतनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें, हर सब्जेक्ट में ऐसा करिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें आपको ICAR के बारे में बता दी। इसमें लगभग 15,000 के आसपास सीट्स हैं, तो सीट्स भी बहुत हैं, कंपटीशन भी कम है, तो अगर आपका कोई चॉइस का कोर्स है इसमें तो भिड़ जाइए, लग जाइए मेहनत पे। अब टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूँगा इस एग्ज़ाम के बारे में। गुड लक, थैंक यू।